Hey guys, welcome back to the course of MSBTE Next Icon. आज हमारी डेटा कम्युनिकेशन की पहली लेक्चर है. डेटा कम्युनिकेशन में हम देखेंगे बेसिकली कि क्या क्या होता है. डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा हमारा. ये बेसिक चीजें पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में जो MSBTE एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिकली हम सबको पता है कि डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है. डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विच इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और बिटवीन पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स. बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. अब उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीजें उसमें हैपन होती हैं, बट जो बेसिक चीज डेटा कम्युनिकेशन का जो बेसिक मतलब क्या होता है, उसमें हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी ना किसी मीडियम का हेल्प लेके. डेट इज सिंपल डेटा कम्युनिकेशन. अगर आपको एग्जाम्पल लेना होता, अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हो तो फोन पे भी आप डेटा कम्युनिकेशन को करो. क्या करो, आप फोन पे किसी कुछ बोल रहे हो तो वो क्या है, बोलना डेटा है. हमारा ऑडियो भी डेटा होता है, तो आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो. आप व्हाट्सएप पे किसी को इमेज भेजो, डेट इज आल्सो कॉल्ड डेटा. इमेज इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डेटा. तो इन सब चीजों को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं. अब डेटा कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है सेंडर जो डेटा को भेज रहा है, एक होता है रिसीवर जो डेटा को रिसीव कर रहा है, जहां पे आप डेटा भेज रहे हो, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है. एक होता है मैसेज कि हम कौन सा डेटा भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, होता है मीडियम कि किस मीडियम से हम डेटा को भेज रहे हैं, और एक तो सेट ऑफ रूल्स कि जब भी आप डेटा को भेजते हो तो कुछ रूल्स होता है, कुछ प्रोटोकॉल है जिसको हमें फॉलो अप करना होता है. इन चीजों को हम सेपरेटली देखते हैं कि क्या होता है. बेसिकली मैसेज क्या होता है, मैसेज इज मोस्ट यूजफुल एसेट ऑफ ए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम. मैसेज कुछ भी हो सकता है, आपकी फोटो, आपका ऑडियो, आपका मैसेज, आपका टेक्स्ट फाइल, कुछ भी हो सकता है. इसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं, जो मैसेज आपको भेजना है. बेसिकली सेंडर जो आप सेंडर होता है, जो जहां से हम सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज को भेजते हैं, जो हमारा सोर्स होता है, जो सोर्स आपको मैसेज भेज रहा है. सपोज करो आपके आपको किसी दोस्त ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो आपका दोस्त क्या हुआ, सेंडर हुआ, आप क्या हुए, रिसीवर हुए. इसको हम लोग सेंडर और रिसीवर बोलते हैं. अब मीडियम क्या होता है, इन एंटायर प्रोसेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच कुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. सपोज करो कि हम टेलीफोन के जमाने में टेलीफोन पे बात करते थे, तो वो वायर जाती थी, ऑप्टिकल केबल वायर. तो ऑप्टिकल केबल वायर क्या थी, मीडियम थी हमारी किसी से बात करने के लिए. अभी वाईफाई है, वाईफाई से हम राउटर से वाईफाई कनेक्ट करते हैं, हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो वो वायरलेस मीडियम है, बट मीडियम तो है वहां पे. अगर आपने घर पे एक राउटर लगाया, आप उसको मोहल्ले में कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, उसका जहां पर रेंज है वहीं पे आप यूज कर सकते, मतलब रेंज का मतलब मीडियम. तो बेसिकली वो एक ब्रिज की तरह काम करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में. जो आपका मीडियम होता है इज एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है एक साथ, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम. मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका केबल हो सकता है, आपका फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकता है, माइक्रोवेव्स हो सकता है, कुछ भी चीजें आपकी मीडियम हो सकती है. इसके बाद आता है सेट ऑफ रूल्स. रूल्स क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कोई चीज भेजते हो डेटा कम्युनिकेशन में, तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं. सब जैसे एक रूल मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आपको अगर नेट चलाना है राउटर की हेल्प से, तो आपको राउटर के 5 मीटर की दूरी में होना चाहिए. ये भी एक रूल है कि उसका एक रेंज स्पेसिफाई है. तो टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन वेरियस सेट ऑफ रूल्स हैड बीन ऑलरेडी डिजाइन बाय द डिजाइनर्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. जो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके डिजाइनर ने जो रूल सेट किया वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा. सपोज करो आपके राउटर की कंपनी ने ये आपको एस्टैब्लिश किया है कि जो भैया आपका जो राउटर है वो 5 मीटर की दूरी तक ही कवर करेगा, तो आप अगर आप 7 मीटर 8 मीटर की दूरी पर चले गए तो वहां पे आपके रूल्स काम नहीं करेंगे. मतलब आपका जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे गलती हो जाती है. इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स. इसकी बात आता है ट्रांसमिशन मोड्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमारी जो ट्रांसमिशन हो रही है, बेसिकली जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है हमारा दो डिवाइस में, सेंडर और रिसीवर में, सोर्स और डेस्टिनेशन में, उसकी मोड क्या क्या है. अब मोड बहुत तरीके की होती है. यहाँ पे हम 3 मेजर मोड्स बना, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. सिंप्लेक्स मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग यूनि डायरेक्शनल बोलते हैं कि एक डायरेक्शन में हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है. कि मतलब आप सोर्स से डेस्टिनेशन को भेज तो रहे हो, बट डेस्टिनेशन से सोर्स पे आप कुछ ले नहीं पा रहे हो. दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सिंप्लेक्स मोड में क्या होता था कि आप चीजों को भेज रहे हो पर क्या चीजों को ले नहीं पा रहे हो. आप सोर्स से डेस्टिनेशन को चीजें भेज रहे हो बट आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे चीजें ले नहीं पा रहे. दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन. उसके बाद आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, जहां पे आप चीजों को भेज सकते हो और मंगवा भी सकते हो, बट एक सेम टाइम पे नहीं हो सकता वो चीजें. मतलब सेंडर एक रिसीवर को एक मैसेज भेजेगा, रिसीवर भी सेंडर को मैसेज भेजेगा, बट साइमल्टेनियसली नहीं भेज सकता, सेम टाइम पे नहीं भेज सकता. इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी. वॉकी टॉकी में क्या होता है, पहले आप एक मैसेज भेजोगे, फिर वहां पे रिसीव करेगा, फिर वापस से वो रिसीवर आपको मैसेज भेजेगा. दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स मोड.
ठीक है। इसके बाद फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, आपके जो सोर्स और डेस्टिनेशन होता है उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो एक टाइम पे होती है, कि आप डेटा को भेज भी सकते हो रिसीव भी कर सकते हो एक टाइम पे। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे? इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, आप अपने दोस्त से बात करो तो आप सेम टाइम में बात करो दोनों, ऐसा तो नहीं कि आप बोल लो उसके 5 मिनट बाद वो रिप्लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेसिक जो आज के लेक्चर्स में हमने देखा ये बेसिक चीजें थी बहुत, की मैसेज क्या होता है, सेंडर रिसीवर क्या होता है, मीडियम क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड्स क्या होता है, सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, बेसिक चीजें। मैं इसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से नोट्स को पढ़ना है, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चीजें क्लियर नहीं होती है तो आप डाउट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। बेसिकली ये टर्म्स क्या क्या है, बहुत इजी टर्म्स है बट आपको जानने चाहिए, अगर आप डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ ए नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। बेसिकली मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, कि आप एक टाइम पे कितना मैक्सिमम डेटा भेज सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। हम ये भी बोलते हैं कि यार ये जो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन वो हाई बैंडविड्थ का है, कि आप 100 Mbps डेटा भेज सकते हो, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। आप बोलते हो ना कि 100 Mbps का मेरा स्पीड है या 1000 Mbps का स्पीड है या 40 Mbps की स्पीड है, दैट इज नथिंग बट also called as bandwidth. Bandwidth का मतलब होता है कि आप maximum data कितना transfer कर सकते हो एक time पे, that is called bandwidth. Data transmission rate. Data transmission rate is the volume of data transmitted over a transmission channel or via data transmission within a specific unit of time. आप कितना volume of data एक साथ भेज सकते हो एक specific unit of time में, that is called data transmission rate. इसके बाद आता है हमारा baud rate. Baud rate बहुत important है. Baud rate refers to the number of signals or symbols changes that occur per second. आपकी जो signal है वो कितनी बार चेंज हो रही है एक सेकंड के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं बाउड रेट। ए सिंबल इज वन ऑफ सेवरल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज चेंजेस। आपकी जो सिंबल क्या हो सकती है, आपका वोल्टेज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फेजेस हो सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाउड रेट। बेसिकली ये तीनों जो टर्म्स थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। आज के लेक्चर में इतना ही हमें पढ़ना था, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें देखेंगे। इसके लिए आपकी सबसे ज्यादा जरूरी आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने नोट्स को कवर अप करो। मैं थोड़ा फास्ट लेक्चर्स को लेता हूं क्योंकि आप अगर जितना फास्ट लूंगा उतना आपके रिवीजन सेशन में टाइम मिलेगा आपको। मैं अगर फास्ट लेक्चर्स को लूंगा तो आपका जो रिवीजन होगा वो जल्दी होगा, और जब हम रिवीजन करेंगे तो आपकी 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपकी डेटा कम्युनिकेशन क्लियर हो गई होगी, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, सेंडर का मतलब क्या है, रिसीवर का मतलब क्या है, मैसेज क्या होता है, मीडियम क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स क्या क्या होते हैं, मैसेज जो हम मैसेज भेजते हैं लोगों को, सेंडर जो आपको मैसेज भेज रहा है, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, मीडियम जो आपका मीडियम है वायर है या वायरलेस है, और सेट ऑफ रूल्स जो रूल्स डिजाइंड है, जैसे प्रोटोकॉल्स हमारे, बेसिकली प्रोटोकॉल्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। इसके बाद सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड्स क्या होता है, कि ट्रांसमिशन जो आपका मोड है वो क्या है, सिंप्लेक्स है, जहां पे सिंप्लेक्स यूनिट डायरेक्शनल चीज है, कि आप बस डेटा को भेज सकते हो पर ले नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड वन वे ट्रांसमिशन। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स, टू वे ट्रांसमिशन बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे नहीं होता, आप डेटा को रिसीव करोगे सेंड भी करोगे बट एक टाइम पे आप दोनों नहीं कर सकते। उसके बाद फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में आप डेटा को रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड हमारा फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर आप एक टाइम पे कितना कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड डेटा वॉल्यूम ऑफ डेटा आप कितना स्पेसिफिक यूनिट ऑफ टाइम में कर सकते हो। उसके बाद हमारा बाउड रेट, बाउड रेट मतलब नंबर ऑफ सिग्नल्स आप कितना भेज सकते हो एवरी सेकेंड। हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर में इतनी चीजें थी, आई होप आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी। इसलिए आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमारे डाउट सेशन में आके डाउट को क्लियर करो। असाइनमेंट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा, साथ मैं इसके आपको नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।